हेलो दोस्तों, एकोरोड कंपनी का CM4 मार्बल कटिंग मशीन वुड कटिंग के लिए यूज़ कर रहा था। मशीन जब भी चला रहे बहुत ज़्यादा आग निकाल रहा है, तो मशीन ओपन करके देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो पहले हम कार्बन ओपन करते हैं, उसके बाद मशीन को ओपन करते हैं। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए। मशीन को ओपन करने के बाद मेरा होश ही उड़ गया। मशीन देखिए कितना ज़्यादा जल गया है, आर्मेचर, फील कॉयल, इसमें बॉडी भी ब्लैक ब्लैक हो गया। तो ऐसे कोई मशीन को जला सकता है? आपने कभी देखा है ऐसे भी आर्मेचर कभी जलता है? मशीन ओपन करके हमें बताना है ये मशीन रिपेयर करेंगे तो कितना खर्चा आएंगे। तो ओपन कर लेते हैं। आर्मेचर बढ़िया से मैंने ओपन कर लिए हैं, तो आर्मेचर को देखिए, ऐसे आर्मेचर कभी जलते हैं? तो सोचो मशीन जब ऐसे चल रहा था उसमें कितना हीट होगा, फिर भी मशीन को चलाया। तो ऐसे मशीन को चलाएंगे तो बॉडी भी ख़राब हो जाएगा। तो इसमें फील जैसे हीट हुआ है, बॉडी अंदर लॉक हो गया है। तो इसको भी हमें ओपन करके देखना है बॉडी कितना ख़राब हुआ है। तो ओपन करके देखते हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को आप अच्छे से देखिए। तो मशीन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो इसको इसमें बॉडी भी शायद ख़राब हो गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल बाहर करके हम देखते हैं तो कितना ख़राब हुआ है। इतना मस्त जला है ना, इसमें वायर भी बाहर आ गया, इतना गजब का जला है, वायर भी डैमेज हो गया। सब कुछ इसमें जल गया। बॉडी के साथ चिपक गया भाई, इसको बाहर नहीं आएगा। और तो फिर से उसको कोशिश कर लेते हैं इसको बाहर करने के लिए।
देखिए इसमें जो बॉडी है ना इसमें लॉक हो गया है। देखिए इसमें फाइबर अंदर इसमें गैप है ना, इसमें देखिए लॉक हो गया, तो इसमें बॉडी थोड़ा हिल गया है। देखिए इसमें इसमें भी बॉडी अंदर चिपक गया है। देखिए क्या हुआ है, देखिए तो इसको बाहर करने का मतलब हम बाहर करके दिखाते आपको। कोई बात नहीं, इसको टूट गया ना तो इसको देखिए हो सकता है इसको कमर को बनाते इसको अभी बढ़िया से देखिए अभी बढ़िया से बाहर होगा कटिंग करने के बाद। देखिए बॉडी के साथ चिपक गया भाई, देखिए इसमें बॉडी बॉडी के साथ चिपक गया है। देखिए बॉडी इसमें साथ के चिपक गया है, देखिए कैसे हुआ है। देखिए इसमें बॉडी इसके अंदर फंस गया है, तो सोचो क्या कितना ख़राब किया है, तो ऐसे बाहर कर लिया भाई। तो मशीन को देखिए क्या हुआ है, देखिए तो जगह जगह पे इसको फ्यूल जल गया है, तो ऐसे भी कोई काम करता है। दोस्तों ऐसे बाहर ऐसे जल गया है सामान, पूरी तरह से जल गया भाई, क्या किया है पता नहीं, सामान खराब हो गया। ये जो स्विच ये टूट गया है ना, तो इसको हम बाहर कर लेंगे तो ये फिटिंग कर सकते हैं। तो स्विच का जो सिस्टम है ये स्विच इसको हम बाहर करके इसको फिट कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा ऐसे ये वाला हिस्सा जो है इसको बाहर कर लेंगे तो फिटिंग हो जाएगा, नहीं तो इसको खोलेंगे ना तब हो जाएगा फिटिंग। बड़ी पक जाता है तो कोई बात नहीं, इसको हम खोल लेते हैं कुछ भी करके, थोड़ा सा हिट करने पर ये खोल जाएगा, ऐसे बात नहीं है। ये कंप्लीट सेट को चेंज कर लेंगे ना काम हो जाएगा, तो करके दिखाता है। ये खुलता है तो हाँ इसको चेंज कर लेना स्विच, आपने डैमेज कर दिया, मैंने इसको करता हूँ, देखिए आपको दिखा देते ऐसे आपको खोल लेना। स्विच आपने ऐसे ओपन कर लेना, स्विच भी तो खराब हो गया, देखिए स्विच भी खराब हो गया, तो उसको रिपेयर करने के कोई मतलब नहीं है।
फिर भी आपको डैमेज ऐसे कर देते हो, इसको आपको खोलना है, कैसे दिखाना है तो आपको दिखा देते, शेयर कर देते रहिए। ऐसे ओपन कर लेना, उसके बाद आपने क्या खोला था, ये वाला जो खुले थे ना, इसको ऐसे डाल लेना, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे ऐसे उठाना, ठीक है, ऐसे फिट इन कर लेना। तो बड़े से फिट हो गया, दोबारा से इसको समाना, इसको आपको उसको फिट कर। मेरे से फिट हो गया, मशीन ओपन करने के बाद देखा इसमें बहुत सारा सामान खराब हो गया, आर्मेचर, फील्ड कॉइल, बॉडी, स्विच, उसमें बैरिंग भी हमें चेंज करना है, तो मशीन में बहुत ही ज़्यादा खर्चा आएंगे। तो मशीन में आगे वाला हिस्सा को छोड़ के सभी हमें नया फिटिंग करना है, तो मशीन को फिटिंग करके छोड़ देते हैं। आपको ऐसे मशीन को डैमेज नहीं करना है, तो डैमेज करेंगे तो इसमें ऐसे ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपके साथ शेयर किया है, तो इसमें फील्ड कॉइल बड़े से ओपन नहीं हो रहा था, तो फील्ड कॉइल ऐसे बैठ गया है, तो हम इसको कटिंग करने के बाद बड़े से बाहर कर पाए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगे हैं उसको बाहर करते हुए। तो आपके साथ हम जो रियल है मेरे शॉप में शाम को लेके आया था ये मशीन रिपेयर करने के लिए, तो आपके साथ शेयर किया है। मैंने अभी तक जितने भी मशीन रिपेयर किए हैं इतना डैमेज कभी नहीं देखे हैं। आर्मेचर फील्ड कॉइल ऐसे उसको जला दिया है ना, तो आर्मेचर बड़े से आप ओपन कर पाओगे? तो मशीन ऐसे भी कोई चलाता है, तो सोचो जो बंदा इसको चला रहा था उसको हीट महसूस नहीं हुआ, वो मशीन ऐसे ही चलाता रहा, बोले मशीन बड़े से चल रहा था, उसके बाद मशीन ऐसे हो गया। जो मशीन देखेगा उसको भी समझ में नहीं आएगा वो कैसे इतना जला दिया मशीन को। तो मशीन को फिटिंग करके कस्टमर को हैंडओवर कर देते हैं। बैरिंग बहुत ही ज़्यादा प्ले था, बहुत ही ज़्यादा घर्षण हुआ है, इसमें फिटिंग करने के बाद मैंने देखा कि बैरिंग बहुत ही ज़्यादा प्ले है।